व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे जो कि लियोन कैरेक्टर के एबिलिटी के बारे में, एंड गाइस इस कैरेक्टर का एबिलिटी कैसे काम करता है, एंड गाइस पूरा डिटेल्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा। एंड उससे पहले गाइस बता देता हूं, ये कैरेक्टर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिला है, एंड गाइस आप लोगों को पता ही है। एंड गाइस ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो कि आज तक गाइस ऐसा कैरेक्टर कभी आप लोगों को फ्री में नहीं दिया गया है, जो कि ये कैरेक्टर जो आप लोगों को फ्री में मिला है ना, बहुत ही लकी है गाइस ये कैरेक्टर। एंड गाइस क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पता चली जाएगा, एंड वीडियो पूरा देखना, नहीं तो गाइस आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड गाइस इसका एबिलिटी भी हम लोग चेक करके देखने वाले हैं, एंड किस तरह से कैसे कैसे इसका एबिलिटी काम करता है। एंड जोन पुशर है, मतलब जो जोन पुश करता है, ग्रैंड मास्टर में जोन में पुश करता है, तो उन लोगों के लिए एक कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होने वाला है या बुरा कैरेक्टर होने वाला है। तो गाइस आप लोग को इस वीडियो के अंदर पूरा ओपी तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एंड गाइस इस कैरेक्टर के अंदर आप लोग को कैरेक्टर स्किल को ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी गाइस मैं आप लोग को बता दूंगा। एंड सबसे पहले गाइस इसका एबिलिटी मैं आप लोग को बता देता हूं, इसका एबिलिटी क्या है। सो गाइस इस कैरेक्टर के अंदर आप लोग को एबिलिटी जो देखने को मिल रहा है, जो कि एचपी का एबिलिटी आप लोग को देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अभी बात किया जाए लियोन कैरेक्टर जो एचपी दे रहा है, जो कि कितना लेवल पे कितना एचपी दे रहा है। तो गाइस जब भी आप लोग का लियोन कैरेक्टर लेवल 1 पे रहेगा तो 5 एचपी आप लोग को मिलेगा, एंड कैरेक्टर जब भी लेवल 2 का हो जाएगा तो 10 एचपी मिलेगा, एंड लेवल 3 का होने से 50 एचपी मिलेगा, उसके बाद गाइस लेवल 4 का होने से 20 एचपी मिलेगा, उसके बाद लेवल 5 का कैरेक्टर जब भी हो जाएगा 25 एचपी मिलेगा, एंड मैक्स लेवल पे मतलब 6 लेवल पे जो कि 30 एचपी मिलेगा। एंड गाइस मेरा कैरेक्टर अभी देख सकते हो, जो कि लियोन कैरेक्टर मेरा है, जो कि 4 लेवल का कैरेक्टर है, मुझे अभी कितना एचपी मिलेगा, जो कि 20 एचपी मिलेगा, उससे ज्यादा गाइस एचपी नहीं मिलेगा। तो एंड इस एचपी को कैसे मिलेगा ये गाइस आप लोग को जानना भी चाहिए, एंड गाइस एबिलिटी मैं दिखाऊंगा इसका एबिलिटी कैसे काम करता है। तो उससे पहले गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जो कि एक कैरेक्टर पैसिव है या एक्टिव का कैरेक्टर है। एंड गाइस मन में अभी आप लोगों को डाउट आ रहा है, जो कि पिज भाई पैसिव कैरेक्टर क्या है एंड जो कि एक्टिव कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले गाइस ये आप लोग मैं कंफ्यूजन मतलब हटा देता हूं जो कि मन में से। तो देखो गाइस एक्टिव कैरेक्टर बोला जाता है जो कि आलोक का कैरेक्टर है, जो कि एक्टिव का कैरेक्टर। क्यों गाइस आलोक का कैरेक्टर एक्टिव का कैरेक्टर है ये पहले गाइस आप लोगों को समझा देता हूं। जो कि गाइस आलोक का कैरेक्टर के अंदर आप लोग दूसरा एक्टिव कैरेक्टर का स्किल आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। एंड गाइस ये है जो कि एक्टिव का स्किल की बात। सो गाइस एक्टिव जो कैरेक्टर होता है उसका कुछ पर्सनली एबिलिटी होता है जो कि आप लोग को यूज करना पड़ता है, तब भी गाइस आप लोग को बेनिफिट मिलता है। जो कि मान लो आलोक का कैरेक्टर के अंदर आप लोग गोला को जब भी प्ले करते हो तो आप लोग को 50 एचपी मिलता है। एंड गाइस ऐसा ही है जो कि एंड एक्टिव का जो कैरेक्टर है जो कि ऐसा ही है। एंड अभी बात किया जाए जो कि पैसिव का कैरेक्टर क्या है, तो पैसिव का कैरेक्टर है जो कि गाइस केली का कैरेक्टर पैसिव कैरेक्टर है, एंड मोको कैरेक्टर गाइस पैसिव का कैरेक्टर है। पर गाइस ये पैसिव कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि गाइस इसका स्किल आप लोग कोई सा भी एक्टिव स्किल का कैरेक्टर के अंदर यूज कर सकते हो, एंड पैसिव स्किल का कैरेक्टर के अंदर भी आप लोग यूज कर सकते हो। एंड गाइस पैसिव कैरेक्टर के अंदर आप लोग को और एक एडवांटेज देखने को मिलता है, जो कि मतलब आप लोग को एक बेनिफिट और एक मिलता है। सो बेनिफिट क्या है गाइस, सबसे पहले ये भी गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो कि देखो गाइस आलोक का गला आप लोग को फाइनली प्ले करना पड़ता है, मतलब यूज करना पड़ता है, तब भी आप लोग को मैच भी मिलता है। पर गाइस जो कि है केली के कैरेक्टर के अंदर आप लोग कोई भी चीज यूज करना नहीं पड़ता है, वो कि ऑटोमेटिक काम कर जाता है। तो ऐसे गाइस जो कि पैसिव कैरेक्टर के अंदर जो स्किल होता है ना, जो कि ऑटोमेटिकली काम होता है, जो कि आप लोग को उसको यूज करना नहीं पड़ता है, सिर्फ आप लोग को स्किल को यूज करना नहीं पड़ता है, जो कि ऐड करना पड़ेगा आप लोग, ठीक है, जो भी कैरेक्टर को लेके खेलोगे जो कि पैसिव कैरेक्टर को, तो आप लोग को उसको ऐड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो काम कर जाएगा। एंड गाइस अभी बात किया जाए जो कि लियोन कैरेक्टर एक्टिव कैरेक्टर है या पैसिव का कैरेक्टर है। सो गाइस लियोन कैरेक्टर एक पैसिव का कैरेक्टर है, इसका स्किल आप लोग कोई सा भी कैरेक्टर स्किल के साथ आप लोग यूज कर सकते हो। एंड गाइस अभी बात किया जाए जो कि लियोन कैरेक्टर का एबिलिटी कैसे काम करता है, तो ये गाइस आप लोग को जानने के लिए जो कि गेम प्ले के सेक्शन में जाना होगा। तो चलिए गाइस गेम प्ले के सेक्शन में जाके आप लोग को पूरा ओपी तरीके से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो फाइनल गाइस देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं जो कि क्लास कोड के अंदर। इधर गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को एबिलिटी इसका दिखा देता हूँ, जो कि देख सकते हो वो बंदा मुझे डैमेज दिया, मैं पूरा डैमेज हो चुका हूँ। एंड गाइस अभी देखो जो कि कुछ सेकंड के बाद मुझे धीरे धीरे एचपी मिल रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली मतलब कुछ भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली एचपी मिल रहा है। पर गाइस अभी बात किया जाए इस कैरेक्टर के अंदर जो एचपी मिलता है वो कैसे मिलता है, जो कि गाइस जब भी आप लोग को कोई एनिमी डैमेज देगा एंड उसको आप लोग को उसके बाद जो कि एचपी मिलेगा। एंड गाइस अभी हो गया जो कि एनिमी डैमेज देने के बाद जो कि एचपी मिल रहा है। एंड गाइस सेकंड जो हम लोग का एबिलिटी इसका देखने वाले हैं, जो कि जोन में डैमेज होने के बाद क्या इसका एचपी ऑटोमेटिकली मिलता है। तो फाइनल देख सकते हो मैं जोन में डैमेज दे दिया
दिया, उसके बाद देख सकते हो जो कि ऑटोमेटिकली एचपी मिल रहा है, जो कि कुछ सेकंड के अंदर, मतलब देख सकते हो कुछ सेकंड के बाद वेट करना पड़ता है, उसके बाद गाइस जो कि एचपी ऑटोमेटिकली मिल रहा है। इसका जो और एक एबिलिटी हम लोग टेस्ट करने वाला है जो कि किल करने से क्या एचपी मिलेगा। सो फाइनल देख सकते हो मैं इसको डैमेज दे दिया, उसके बाद नॉक कर चुका हूं एंड गाइस किल कंफर्म कर दिया, तो इसका एचपी कुछ भी एबिलिटी शो नहीं हो रहा है, मतलब इसको आप लोगों को किल करने से कुछ भी एचपी नहीं मिलेगा। जब भी कैरेक्टर मतलब डैमेज हो जाएगा, एचपी थोड़ा कम हो जाएगा, तब भी गाइस आप लोगों को इसका एचपी मिलेगा। पर गाइस और एक बात जो कि जोन में क्या डैमेज होने पे पर मतलब एचपी मिलेगा, तो आप लोग सोच रहे हो भाई पीजू भाई ऐसे ही तो दिखा दिया अभी जो कि जोन में डैमेज होने के बाद एचपी मिल रहा है। सो ये है गाइस थोड़ा सा डैमेज होने के बाद मैं बाहर चला आया, पर गाइस जोन के अंदर रहने से क्या एचपी मिलेगा, क्योंकि गाइस ग्रैंड मास्टर जो पुश करता है जोन के अंदर रहना ही पड़ता है। तो चलिए गाइस टेस्ट करके देखने वाले हैं जो कि जोन के अंदर रहने से क्या इसका कैरेक्टर का स्किल काम होता है एंड एचपी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। सो फाइनल देख सकते हो मैं अभी आ चुका हूं जो कि जोन के अंदर एंड जोन मेरे को कट रहा है जो कि धीरे धीरे जो कि करके कट रहा है इस कैरेक्टर का। तो ठीक है, तो देखते हैं गाइस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद देखते हैं क्या इसके अंदर हम लोग को एचपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जो कि जोन के अंदर, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही है जो कि जोन के अंदर अगर एचपी मिल जाएगा तो बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा एंड बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं, गाइस देख सकते हो फाइनली बहुत ही जोन कट कर चुका है जो कि एचपी को बहुत ही खा चुका है, तो उसके बाद भी जो कि एचपी नहीं मिल रहा है हम लोग को। पर गाइस इसमें की बात जो कि आप लोग मैं बता देता हूँ जो कि जोन के अंदर रहने से आप लोग को एचपी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस बात को मैं गाइस आप लोग को क्लियर कर देता हूँ जो कि जोन के अंदर रहने से आप लोग को कोई भी एचपी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस कैरेक्टर के अंदर यही डिसएडवांटेज एक देखने को मिलता है। एंड गाइस अभी हम लोग और एक स्किल इसका टेस्ट करके देखने वाले हैं जो कि गाइस क्या डैमेज होने पे जो कि कोई सा भी मतलब छत पे भी गिर जाओगे, किसी जगह से गिर जाओगे तो डैमेज होने से क्या इसका एचपी मिलेगा। सो फाइनल गाइस मुझे नींद आ गया था तो मैं इधर सो गया था भाई, बहुत ही नींद आ रहा था, ठीक है, तो मैं सो गया था, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था क्योंकि गाइस वीडियो बनाना बहुत ही मतलब क्या बताऊँ बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तब भी गाइस आप लोग क्या है क्योंकि लाइक नहीं करते हो गाइस वीडियो को, ठीक है, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक करो एंड वीडियो को लाइक करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट कर दिया करो, तभी गाइस मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो उधर देख सकते हो गाइस मैं फाइनली जंप कर चुका हूँ, तो उसके बाद देख सकते हो जो कि मुझे धीरे धीरे करके एचपी मिल रहा है, मतलब गाइस किसी जगह से आप लोग गिर भी जाओगे तो गाइस इस कैरेक्टर का काम हो जाएगा, मतलब एचपी मिल जाएगा, पर गाइस जोन के अंदर आओगे तो गाइस आप लोग को एचपी नहीं मिलेगा। आई होप सो गाइस आप लोग को लियोन कैरेक्टर के ऊपर जितना भी डाउट था मैं गाइस आप लोग के लिए क्लियर कर चुका हूँ। एंड गाइस आप लोग मन में कोई डाउट होता है तो एंड मन में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि गाइस इंस्टाग्राम का मेरा लिंक और भी एक जगह पे मैं दे दूंगा, जिधर आप लोग कॉमेंट करके तो उधर मैं फास्ट कॉमेंट में जो कि पिन कर दूंगा जो कि इंस्टाग्राम का लिंक। एंड गाइस आप लोग को मन में कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके बता सकते हो, क्योंकि प्लीज भाई ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं गाइस आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक करना, लाइक करने से गाइस मिलता है मोटिवेशन नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, सो गाइस वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी गाइस आप लोग कमेंट करके बता देना। सो गाइस मिलते हैं न्यू और टॉपिक के साथ, तो तब तक लगे गाइस टेक केयर, बाय बाय।